तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ SMM पैनल के बारे में। तो क्या आपको SMM पैनल से अपना व्यूज, सब्सक्राइबर और वगैरह वगैरह चीज़ YouTube के रिलेटेड क्या आपको बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? तो आशा करता हूँ ये वाले वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो अगर आप SMM पैनल यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, तो आपका चैनल तो 100% ग्रो हो जाता है, बट जो आपका व्यूज़ मिलता है, सब्सक्राइबर मिलता है, सब फेक होता है। मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट से वो किया जाता है और उससे आपके चैनल को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सपोज़ आपने 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अपना चैनल डाला है मोनेटाइजेशन पे, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन डिक्लाइन कर दिया जाएगा यूट्यूब के थ्रू और कुछ इस टाइप का आपका मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपने जो चीज़ किया है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपने किया है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने किया है। और ये ज़रा सर गलत बात है, क्योंकि आपको ना रियल ऑडियंस देख रहा है, ना आपकी पहचान बढ़ रहा है, ना आपका रियल सब्सक्राइबर्स है, कोई आपको देखेगा ही नहीं, तो यूट्यूब आपको फालतू में पैसा क्यों देगा थर्ड पार्टी व्यूज़ के लिए? और अगर आप बस शो ऑफ करने के लिए करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो वगैरह वगैरह, आप अगर नहीं चाहते, आपको सिर्फ मतलब है सब्सक्राइबर्स से, फिर भी अगर आप इसमें पैनल से सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं तो बहुत सारा सब्सक्राइबर आपका घट जाएगा। अगर आप 100 सब्सक्राइबर लेते हैं SMM पैनल से, तो आपका अराउंड 90 सब्सक्राइबर घट जाएगा, 10 सब्सक्राइबर रहेगा, वो धीरे धीरे घटा देगा यूट्यूब, क्योंकि अभी यूट्यूब का जो इंटेलिजेंस है, AI इंटेलिजेंस है, वो बहुत आगे तक जा चुका है और वो मिनटों में पकड़ लेता है कौन सा यूट्यूबर क्या गलत चीज़ कर रहा है और उसको तुरंत पनिशमेंट दिया जाता है। अगर आप अपना चैनल मोनेटाइज करवाने के बाद अगर आप अपना खुद का वीडियो देखते हैं और अगर ऐड आ जाता है, तो आपका एडसेंस सस्पेंड हो जाता है या फिर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो इसीलिए कभी भी YouTube के साथ कुछ गलत मत करिए। YouTube सब बात पकड़ लेता है कौन क्या गलत चीज़ कर रहा है और आपको उसके पनिशमेंट भी मिल सकता है। हो सकता है आपके चैनल में स्ट्राइक आ जाए या फिर आपका चैनल सीधा टर्मिनेट कर दिया जाए। तो मैं आपको SMM पैनल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस होना है। अगर आपको बस शो ऑफ वगैरह करना है तो आप SMM पैनल के लिए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको SMM पैनल रिलेटेड जो भी क्वेरी था सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इस बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और इंस्टाग्राम ट्विटर दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना। और मैंने नया टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन किया है, उसका भी लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉलो कर लेना। और वीडियो के रिलेटेड या फिर वीडियो को छोड़ के अगर आपका कोई क्वेरी रहता है या फिर डाउट रहता है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल कंटेंट।